किताब पढ़ना वीडियो देखने में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा बेहतर क्या होता है? क्या किताब पढ़ना ज़्यादा ज़्यादा हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है, या फिर एक वीडियो कॉन हम लोग कंटेंट कंज्यूम करने ज़्यादा बेहतर वो है? मैं आज दलील के साथ आपसे बात करूँगा, तो आप वीडियो देखते रहें। मेजर तरीके के आज के टाइम में थोड़ा सा प्रोपोर्शन डिफरेंट हो गया। पहले किताब पढ़ना ज़्यादा एक प्रचलित था, लेकिन अब जो है वो कंटेंट क्रिएशन, जैसे ज़माना बदल रहा है और डिजिटल जा रहा है, तो उस हिसाब से आजकल कंटेंट क्रिएशन डिजिटल जो वीडियोस बनती हैं, जो फुटेजेस, जो फिल्म, जो सिनेमेटोग्राफी जो होती है, वो ज़्यादा आजकल प्रचलित हो गया। तो मेरे ख्याल में बस एक ख्याल शेयर करना चाहता था, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रिप्ट रहती हैं, जो फिल्मों की स्क्रिप्ट रहती हैं, या कोई एक नॉवल बेस्ड कोई फिल्म अगर आप मान लें, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिखा है, रामू जा रहा है, ठीक है, रामू एक स्टेटमेंट लिखा है, रामू जा रहा है। हम लोग अगर देखें वीडियो में क्या होता है, वीडियो में अगर हम लोग कोई फिल्म का डायरेक्टर है, उसने ये स्क्रिप्ट उठा ली, उसमें आया कि रामू जा रहा है, तो जो डायरेक्टर का विजन होगा, जो डायरेक्टर का रामू होगा ना, वही रामू फिल्म पे उतरेगा, पर्दे पे उतरेगा, और पर्दे पे जो उतरेगा वो सारी दुनिया देखेगी, चाहे वो 2 लोग देखें, चाहे 2,000 लोग देखें, चाहे 2 लाख देखें, सबके लिए रामू सेम होगा। अगर डायरेक्टर ने कहा कि मेरा रामू पतला है, शॉर्ट्स पहने, छोटी सी ऊपर शर्ट पहने और जा रहा है, ये डायरेक्टर का रामू हो गया। लेकिन अगर हम लोग ऑन द कॉन्ट्री देखें, अगर रीडिंग में क्या होता है, अगर कोई किताब पढ़ रहा है, तो हो सकता है उसका रामू, उसने पढ़ा रामू जा रहा है, हो सकता है उसने अपने विजन में लिया रामू मोटा हो उसका, किसी का रामू पतला हो, किसी का रामू नाटा हो, किसी का रामू लंबा हो, अलग अलग रामू, किसी का रामू हो सकता है कुछ धोती पहने हो, किसी का रामू पहने हो कुर्ता पजामा, किसी का पहने हो बनिया, इन किसी का पहने हो नंगा, हो सकता है बच्चा हो अगर तो नंगा घूम रहा हो। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट जो रीडर है ना वो खुद डेवलप करता है। रीडर जो है वो खुद डायरेक्टर भी बन जाता है, आर्ट डायरेक्टर भी बन जाता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी बन जाता है, डायलॉग डिलीवरी करने वाला बन जाता है, मतलब सारी चीज़ें उसको खुद मैनेजअप करनी पड़ती है। तो इसमें आप खुद सोचें कि कितनी सारी जिम्मेदारियां एक रीडर के ऊपर आ जाती हैं जब वो एक कॉन्टेंट पढ़ रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग ऑन द कॉन्ट्री देखें, सिर्फ एक कॉन्टेंट डिजिटल है जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि उसमें सारी चीज़ें सेट हैं, प्री सेट हैं, और सिर्फ हमको उसे देखना है, और देख के अगर पसंद आती है तो वो डायरेक्टर के ऊपर उसका हम वो देंगे क्या कहते हैं उसका क्रेडिट, और अगर पसंद नहीं आती तो गाली जो है वो डायरेक्टर को देंगे, क्योंकि डायरेक्टर की इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व। मैं आपको एक बहुत मेजर एग्जांपल बता देता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जो कलम के जादूगर जिनको कहा जाता है, हिंदी इतिहास के इससे बड़ा नाम अभी तक नहीं आया, हिंदी इतिहास में, हिंदी लिटरेचर में इससे बड़ा नाम नहीं है मुंशी प्रेमचंद से, धनपत राज श्रीवास्तव जिनका असली नाम था, वो उन्होंने जो अपने पन्नों पर जो कागज़ पर उन्होंने लिख दिया है ना, जितनी भी उनके कागज़ पे लिखी हुई जो उनकी किताब है, उस पर जो फिल्म बनी है, जो सीरियल्स बने हैं, जो फुटेज बनी है, वो पर्दे पे उतरी है ना, वो लेवल हासिल नहीं कर पाई। जो उन्होंने कागज़ पे लिख दिया, जो पन्नों पे लिख दिया, वो पर्दों पे नहीं आया, जो पर्दे पे आया वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी थी, लेकिन जो धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद की क्रिएटिविटी थी वो डायरेक्टर मैच नहीं कर पाए। बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस था, इसलिए सारी चीज़ें जो फुटेज के फॉर्म में आई है, डिजिटल फॉर्म में आई है, वो सारी फ्लॉप हो गई। लेकिन धनपत राय श्रीवास्तव और मुंशी प्रेमचंद का नाम आज भी कायम उदायम, और जब तक हिंदी लिटरेचर का नाम लिया जाएगा सबसे ऊपर, अगर श्रृंखला पे किसी का नाम आएगा तो वो मुंशी प्रेमचंद है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब पूरी दुनिया में मानता हूँ सबसे बेहतरीन राइटर्स में से एक मुंशी प्रेमचंद है, मतलब इन कलम का जादूगर। इतना ज़्यादा सटीक, इतना ज़्यादा नेचुरल, इतना ज़्यादा सिनारियो क्रिएट करना, मतलब इतना भावुकता के साथ, भावुक होते हुए भी उसको इस तरीके से स्पष्ट तौर पे दिखाना कि जैसे सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, पढ़ते पढ़ते रुला भी देना, पढ़ते पढ़ते हंसा भी देना, वो जो एक आर्ट थी ना वो मुंशी प्रेमचंद में थी। मुंशी प्रेमचंद की बात ही अलग है, मतलब मुंशी प्रेमचंद मतलब वन ऑफ द मतलब मेरी और मेरे फैमिली में मेरे फादर की भी बहुत फेवरेट राइटर है मुंशी प्रेमचंद, मतलब उनकी मतलब अलग ही है ना, एक उनका जो फ्लो आउट होता है वो अलग ही होता है। तो मैं ये बात हो रही हुई थी कहाँ से कहाँ चली गई, कि पढ़ना ज़्यादा आपको इन्हांस करेगा क्रिएटिविटी आपकी, और जो किताब वो जो वीडियो कंजम्पशन है, ठीक है आप देखें ज़रूर, लेकिन ज़्यादा अगर मैं अगर अपने सेंस बताऊं कि अगर एक बार टेस्ट डेवलप हो गया ना किताब पढ़ने का, फिर आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको उसी में मज़ा आएगा, क्योंकि किताब किताब होती है यार, वो पन्नों की खुशबू, वो कागज़ पलटना, वो उसको हाथ में लेना, वो उसको बैग में रखना, वो जो एक फील है वो डिजिटल में नहीं आ सकता। बुक लवर्स जो जितने भी हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, बाकी और लोग जो हैं वो लोग नेटफ्लिक्स देखें, मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ किताब पढ़ें यार, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मैं अपनी राय जरूर जाहिर करिए आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी और नई वीडियो के साथ आऊँगा। आज तो खैर एक राय जाहिर किया, बताएंगे कैसी लगी आपको, ये मतलब एक मेरा ओपिनियन है, बाकी हमेशा की तरह आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और आपसे इजाज़त लेते हुए हमेशा मैं वही कहता हूँ, आपको खैर अब याद हो गया, आप भी कहें कि खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो, खुदा हाफिज़।